हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आपको पता है, रिंग नेक और अलेक्जेंडर के चिक्स के हवाले से है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे वीडियोस को देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और इतने प्यारे प्यारे से मुझे कमेंट्स करते हैं। तो मैं उन सब अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जो नए देखने वाले हैं, जो मेरी वीडियो पर फ़र्स्ट टाइम आए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि मैं हर अपनी वीडियो में बर्ड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को देती हूँ। मेरी कोशिश पूरी यही होती है कि आप तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उससे जो है आप मेरे चैनल से आप लोगों को फ़ायदा हो सके, जो तजुर्बा मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और जो है हमारे बर्ड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनकी आप अच्छी तरीके से केयर कर सकें। जैसे कि अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो उस हवाले से भी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी, ताकि आप लोग जो हैं, जिन्होंने नए सेटअप लगाया है, नए देखने वाले हैं वो, और जो पुराने देखने वाले हैं और जिनको सही तरह से मालूम नहीं है कि किस तरह से उनकी केयर की जाए, तो ये सारी वीडियोस जो हैं आप सब के लिए हैं होंगी, जिससे आप पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। और इंशाल्लाह जो है आप लोग कमेंट्स मुझे लाजमी करेंगे और बताएंगे कि आपके बर्ड्स को जो है कितना फ़ायदा हुआ है, तो किस तरह से हम अपने विंटर सीज़न में अपने बर्ड्स का ख्याल रख सकते हैं। स्पेशली जो अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारे ब्रीडर पेयर्स होते हैं और साथ में उनके चिक्स भी होते हैं, तो सर्दी से उनको बचाना किस तरह से ज़रूरी है और किस तरह से हम उनको फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स दें, जिससे जो है ये ईज़िली आसानी इनसे जो है वो विंटर सीज़न गुजार सकें। तो ये सारी वीडियोज़ जो हैं आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, जो पिछला ईयर गुजरा है उसमें जो चिक्स थे उनकी किस तरह से हमने केयर की थी और किस तरह से उनको फीड बना के देनी थी, वो तमाम डिटेल्स जो हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो जो नए देखने वाले हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं चिक्स के हवाले से। तो जी मेरे पास जो है इस रिंग नेक के चिक्स अवेलेबल होते हैं, इसके अलावा अलेक्जेंड्रा के चिक्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं, और अगर हम मेरे पास ब्लू रिंग नेक के चिक्स भी अवेलेबल फॉर सेल होते हैं, मगर अगर किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो इंशाल्लाह कलर में भी हम रिंग नेक जो है वो आपको अरेंज करके और परचेज कर सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हवाले से जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ये नंबर व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही चिक्स आएँ तो हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। क्योंकि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आप सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये ऑफ़र जो है सिर्फ कराची के व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए है, क्योंकि कार्गो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं कार्गो अवेलेबल नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से जितने भी कराची के लोग हैं वो मुझसे परचेज़ कर सकते हैं इजीली। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को शिकायत ये हो रही थी, मेरे मैसेंजर पे भी मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि आपके चिक्स जो है वो कब आ जाते हैं, कब सेल हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता और हम आपसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से हम आपसे परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कम्प्लीटली मैं आप तमाम व्यूअर्स के लिए एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि सबको अलग अलग मुझे मैसेजेस करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो मैं अपने हर व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ, क्योंकि हर एक व्यूअर्स, हर एक सब्सक्राइबर्स जो है मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत अहमियत रखते हैं आप लोग सब। तो मैं जितने भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं अपने बर्ड्स के हवाले से, उनकी हेल्थ को लेके, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको रिप्लाई दूँ, और मैं रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ, मगर हर एक बात का जो है वो मैसेज करना मुमकिन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ वीडियो बनानी जाए और तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को जो है इन्फॉर्म कर दिया जाए कि इस साल जो है, इस ईयर इंशाल्लाह आप लोगों की ये शिकायत मैं दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इस दफ़ा जो है शिकायत ना हो। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स अलॉट।